हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया सबसे ज़्यादा कार्बन से बनी हुई है? आपको सुनकर शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि जिस चीज़ से ये दुनिया बनी है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। अब वो क्या है और कैसे है ये आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि ये कार्बन आता कहाँ से है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्बन साइकिल क्या होती है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कार्बन साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स को बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर के बीच में पृथ्वी पर बदला जाता है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम स्टेप्स ऑफ कार्बन साइकिल को समझते हैं। कार्बन साइकिल का पहला स्टेप है एटमॉस्फीयर में प्रेजेंट कार्बन को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। फिर एनिमल्स इन प्लांट्स का सेवन करते हैं और कार्बन इनकी बॉडी में जीव संचित यानी बायो एक्युमुलेशन हो जाते हैं। थर्ड, इन प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद ये डिकम्पोज होते हैं जिसकी वजह से कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। फोर्थ, जो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हुआ होता है वो फॉसिल फ्यूल बन जाता है। फिफ्थ, इन फॉसिल फ्यूल्स को ह्यूमंस की गतिविधियां यानी एक्टिविटीज के लिए काम में लिया जाता है जो एक्स्ट्रा कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में पंप करता है। तो ये हो गई कार्बन साइकिल। अब जानते हैं कार्बन साइकिल ऑन लैंड के बारे में। कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद होता है। कार्बन एटमॉस्फेयर में नेचुरल प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के जलने के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है जिसके कारण प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स को फूड चेन के थ्रू प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पास किया जाता है। कार्बन का अधिकतर भाग रेस्पिरेशन प्रोसेस से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। डिकम्पोजर्स का रोल मरे हुए जीवों को खाकर और उनकी बॉडी में से कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना होता है। अब जानते हैं ओशनिक कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल जो समुद्र में होती है इकोलॉजिकल फॉर्म से महासागर जितनी कार्बन छोड़ते हैं उससे ज्यादा लेते हैं, इसलिए इसे कार्बन सिंक कहते हैं। समुद्री जीव कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देते हैं। ये कच्ची निर्माण सामग्री के फॉर्म में हार्ड शेल बनाते हैं जो क्लैम और ऑयस्टर में पाए जाते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट शेल वाले जीव मर जाते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होकर हार्ड शेल छोड़ देती है। ये समुद्र के तल पर जमा हो जाते हैं और लहरें इन्हें तोड़ देती हैं और भारी दबाव के कारण ये चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन बना देते हैं। जब ये चूना पत्थर हवा के संपर्क में आते हैं तब ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं जिससे कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। अब जानते हैं कार्बन साइकिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, भले ही कार्बन एटमॉस्फेयर में छोटे अंशों में पाए जाते हैं लेकिन ये ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखती है और सूर्य की लंबी तरंग विकिरणों को फंसाए रखती है, इसलिए ये प्लैनेट पर एक कंबल की तरह काम करती है। अगर कार्बन साइकिल में कोई डिसबैलेंस आ जाता है तो इसके परिणाम गंभीर परिस्थितियां हो सकती है जैसे कि मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। कार्बन पृथ्वी पर हर जीव का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, प्रोटीन और लिपिड से लेकर हमारे DNA तक, इसलिए पृथ्वी पर सभी जीवन कार्बन पर निर्भर है। इसलिए नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल के साथ कार्बन साइकिल भी अर्थ पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आखिर में रिफ्रेश करते हैं की पॉइंट्स ऑफ कार्बन साइकिल। पहला, कार्बन साइकिल कार्बन का बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में मूवमेंट एक्सप्लेन करती है। सेकंड, कार्बन जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ली जाती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदली जाती है जो फूड चेन के थ्रू ट्रैवल करती है। जब ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं तब कार्बन एटम्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फोर्थ, फॉसिल फ्यूल्स और सेडिमेंटरी रॉक्स कार्बन साइकिल मेंटेन करने में बहुत लंबे समय तक योगदान देते हैं। फिफ्थ, कार्बन साइकिल और भी कंपाउंड्स की अवेलेबिलिटी से जुड़ी है जो लाइफ साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कार्बन साइकिल के यूजेस क्या हैं और उसका क्या प्रोसेस है, और साथ ही साथ कार्बन साइकिल्स के इम्पैक्ट्स भी जाने। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीना पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।